हेलो फ्रेंड्स, पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में क्लास 7 CBSE बोर्ड की साइंस का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2019 का है, इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 7 होते हैं, 7 पेज होते हैं। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2018-19, सब्जेक्ट साइंस, प्रतिभा समूह के बच्चों के लिए, क्लास 7th, मैक्सिमम मार्क्स 50 का एंड टाइम अलाउड होगा 2.5 घंटे का। ये कुछ सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक एक अंक का है, क्रम संख्या 6 से 11 तक प्रत्येक 2 अंक का है, क्रम संख्या 12 से 17 तक प्रत्येक 3 अंक का है, क्रम संख्या 18 से 20 तक प्रत्येक 5 अंक का है। जनरल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है, ये इंग्लिश में है, सेम इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। पहला प्रश्न है, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड स्पाइनच, यानी कि दही और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों में जो गैस की विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, क्या कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट अ पर्सन, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिकाएं का लाल रंग किस वर्ण के कारण है। पांचवा प्रश्न है, वृक्क द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, पदार्थ जो द्रव के रूप में निकलता है, क्या कहलाता है। लगातार 40 मिनट तक दौड़ लगाने के बाद रमन की पेशियों में दर्द होने लगा, इस दर्द की होने के क्या कारण होगा लिखिए। धमनी और शिरा में 2 विभिन्नताएं बताइए। चित्र द्वारा यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 9, लेवल द कंपोनेंट्स इन फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, नीचे दिए गए परिपथ में जुड़े अवयवों के नामांकित कीजिए, इनके नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कारण है कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्रियाकलाप द्वारा बताएं श्वेत प्रकाश की 7 वर्णों में विभक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 2 प्रश्न हैं, जलीय जंतु जल में जीवित रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं, क्या होगा अगर परख नली द्वारा चूने के पानी में फूंक मारी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13, संवाहक ऊतक का पादपों में क्या कार्य है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, इस पर आधारित कम से कम 3 घरेलू उपयोग के उपकरणों के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, असमान गति, आवर्ती दोलन या पथमापी, इसमें गलत लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो इसमें आपको इनको डिफाइन करना है, असमान गति, आवर्ती दोलन और पथमापी को। क्वेश्चन नंबर 18, लाल लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह लाल ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। उदाहरण सहित लिखिए कि उदासनीकरण क्या है और इसके अंतिम उत्पाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, चित्र द्वारा बताइए स्वपरागण पर परागण बीज प्रकीर्णन के 2 उदाहरण दीजिए, वायु द्वारा झटके के साथ फटना। क्वेश्चन नंबर 20, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट तक चलती है, इसके पश्चात वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। ये था साइंस का क्वेश्चन पेपर 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।